के साथ दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना से सात की मौत ने हिलाया हिमाचल, धड़ाधड़ आ रहे नए मामलों ने डराया प्रदेश। जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन पाने के लिए 50% अंकों के साथ पास करना होगा टेट। केंद्र सरकार के तीन नए कानूनों के खिलाफ उतरे किसान, प्रदेश भर में धरने, राष्ट्रपति से लगाई गुहार। हिमाचल में 5 नई पंचायतें, एक नगर परिषद की भी अधिसूचना जारी। सर्जन बनना चाहते थे अमर शहीद सौरभ कालियत, कारगिल युद्ध के पहले शहीद की याद में परिजनों ने बनवाया अस्पताल। नए प्रभारी राजीव शुक्ला ने दिए हिमाचल कांग्रेस में बदलाव के संकेत, वर्कर्स को दी कड़ी हिदायत। प्रदेश में पहली अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार, पारे में गिरावट से ठंडक का एहसास। आगे देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल में कोरोना वायरस अब बेकाबू हो गया है, सरकार का हर जुगाड़ नाकाफी दिख रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को 7 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई मामले सामने आए हैं। हिमाचल में शुक्रवार को 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें एक व्यक्ति हमीरपुर जिला के सुजानपुर का रहने वाला था और दूसरा मंडी जिला मुख्यालय के भगवान मोहल्ले का। चंबा में 35 वर्षीय कोरोना संक्रमित ने भी दम तोड़ दिया। सिरमौर के पांवटा साहिब में 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। शिमला के IGMC में बिलासपुर के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। सोलन जिला में भी 2 कोरोना संक्रमित जिंदगी से जंग हार गए हैं। दूसरी ओर कोरोना के धड़ाधड़ नए केस सामने आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर बीटेक, एमटेक, बीएचएमसीटी एंड एमटीटीएम। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D-Pharma, B-Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन पाने के लिए अब नए नियम लागू होंगे, देखिए ये रिपोर्ट। जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पाने के लिए संबंधित जेबीटी अध्यापक का स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक और टेट पास होना जरूरी है। प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी अध्यापकों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके तहत स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता वाले नियम में छूट देने की गुहार लगाई गई थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि यदि सरकार अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए कोई शर्त रखती है, तो उस शर्त को मनमाना नहीं ठहराया जा सकता। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि विधेयक पास किए हैं। इन नए कानूनों का देश भर में विरोध हो रहा है। हिमाचल में भी ये आंदोलन भड़क गया है, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में शनिवार को नए कृषि कानूनों का जमकर विरोध हुआ। किसान सभा के बैनर तले कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन कर 3 नए कानूनों को निरस्त करने की मांग उठाई है। इसी कड़ी में ऊना, मंडी और कुल्लू जिलों में जोरदार प्रदर्शन हुए। किसानों ने आरोप जड़ा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी झेल रहा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए ऐसे कानून बना रही है। देश में किसान की पहले ही सुनवाई नहीं हो रही है, ऊपर से अब ऐसे कानून किसानों को पूरी तरह कुचल देंगे। शिमला, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, चंबा में किसानों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कोरोना जैसी आपदा में अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का अवसर देख रही है। किसानों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इन कानूनों को निरस्त करने की मांग उठाई है। प्रदेश में शहरी निकायों की संख्या अब 55 से ज्यादा हो गई है। 6 नए निकायों की अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी कर दी गई है।
हिमाचल में 5 नई नगर पंचायतों और 1 नगर परिषद की अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में अब आने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 55 से ज्यादा निकायों में इलेक्शन प्रक्रिया निपटाई जाएगी। सरकार ने यह सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है। नई अधिसूचना के अनुसार ज्वाली नगर पंचायत को पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें से 2 पंचायतों को बाहर किया गया है। इसके साथ करसोग नगर पंचायत का भी पुनर्गठन किया गया है। वहीं नगर परिषद नेरचौक को भी छोटा किया गया है। इसके अलावा नई घोषित नगर पंचायतों में नेरवा, चिड़गांव व कंडाघाट हैं, जिनको पहले ही अधिसूचित कर दिया है। वहीं अम्ब, निरवण व आनी भी नई नगर पंचायतें बनी हैं। कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले कैप्टन सौरभ कालिया को कौन नहीं जानता। अपनी वीरता के लिए मशहूर पालमपुर के इस जाबाज की याद में परिजनों ने अस्पताल बनवाया है। कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की याद में अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। ये अस्पताल पालमपुर के पास डाट क्षेत्र में बनाया गया है। उनके परिजनों ने बेटे की याद में ये अस्पताल बनवाया है, जहां लोगों को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। अमर शहीद के परिजनों ने बताया कि सौरभ कालिया सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वे सेना में अधिकारी बन गए और कारगिल में देश के लिए कुर्बान हो गए। आपको जैसे सब लोगों को मालूम है कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। तो आपको ये भी आपको शायद मालूम होगा कि हमने कैप्टन सौरभ कालिया वेलफेयर ट्रस्ट एक बनाया हुआ, जिसमें हम एजुकेशन के बारे में हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन, और हम काफ़ी बच्चों को एजुकेशन के मामले में हम हेल्प भी करते हैं, उनको एडॉप्ट भी करते हैं। ये हेल्थ पर के एस्पेक्ट के ऊपर हमारा एक सपना था कि हमने इस फील्ड में भी कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। कैप्टन सौरभ कालिया के बाद लोगों ने हमें इतना आदर, प्रेम और अपनापन दिया है, तो उसको लौटाने का जो हमारे ऊपर लोगों का इतने प्यार का जो मतलब ऋण है, उसको लौटाने का ये तो कुछ प्रयास है। कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला ने वर्कर्स को कड़ी हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने संगठन को आगाह किया है कि अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि हिमाचल में हर एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने माना कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन वह भाजपा से कम है। जो गुटबाजी है, संगठन उसे आपस में बैठकर खत्म कर देगा। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि मिशन 2022 के लिए प्रदेश कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कार्य करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया कि पहला लक्ष्य पार्टी को सत्ता में लाने का होना चाहिए, पदों की बात उसके बाद सोचें। पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन में कौन सक्रिय है, उसे क्या काम देना है, कौन जिताऊ प्रत्याशी है, इसकी पूरी रूपरेखा आने वाले दिनों में तय कर दी जाएगी। हिमाचल में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आने वाले दिनों में मौसम की चाल बेहद अहम रहने वाली है। देखिए शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बादलों के घिरने और शीतलहर से तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में 1 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में शुक्रवार को दिन भर मौसम साफ बना रहा। दोपहर तक अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद आसमान में काले बादलों के घिरने के साथ ठंडी हवा का प्रवाह शुरू हो गया था, जिससे तापमान में फिर से गिरावट आई है। बीते 24 घंटों के दौरान जोगिंदरनगर और कसौली में बारिश भी दर्ज की गई है। और अब चलते चलते कोरोना पीड़ित महिला की सुसाइड पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा क्या कार्रवाई की। बंगाणा के कोटला में कार और बाइक की टक्कर, महिला और युवक की जान गई। बिलासपुर के झंडुता में सांप के डसने से महिला की मौत, खेत जा रही थी अभागी। और हिमाचल में मात्र 14 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र, संसद में सांसद सुरेश कश्यप ने उठाया प्रदेश का अहम मसला। हिमाचली तड़का में आज देखिए गायक ठाकुर दास राठी की ये प्रस्तुति। शोहरी गोरी, तेरे निशोभली सुरता पोड़ी।
प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।